ये देखिए सर हाथ पकड़ पकड़ के सर ला रहे हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे देख के भी उस चीज़ को कॉपी जो उस चीज़ को देख के नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये 15 साल का जो अनुभव रहा है, 15 साल का जो तजुर्बा रहा है, 15 साल का जो तपस्या रहा है इन शिक्षकों का, ये चीज़ें आप सामने आप देख सकते हैं। और यही हाल है पूरे झारखंड में, आप देख सकते हैं। और ये ट्रिक सर ने बताया जो कि मैजिक ट्रिक हमने इसका नाम दिया है, देखिए इन छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आदम जनजाति के बच्चे हैं जो जंगल में ही अपना जीना मरना सारा चीज़ इनका जंगल में ही रहता है, और जंगल से ही घिरा हुआ ये। कैसा महसूस होता है सर आपको? सर देखिए एक क्लास में, एक रूम में 1 से 5 तक क्लास चलाने में परेशानी तो है, न ऐसे बात नहीं, बट हम लोग ऐसे जैसे अभी जो फिलहाल में भी तत्काल में पढ़ा रहे थे उसमें जनरल क्लास लेने की स्थिति में कुछ ऐसे हम लोग तकनीक अपनाते हैं जिसमें सबके काम आवे। जैसे मैं एक आध दो को बताएं सर, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि सर का तकनीक हम लोग जानेंगे और ये तकनीक अपने श्रोताओं को भी हम लोग दिखाएंगे। तो सर क्या तकनीक है सर, आप दिखाएं बढ़िया से, बच्चों को भी बताइए और हमारे श्रोता भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जी। पहला नंबर में अक्षर पहचानने के लिए बोलते हैं कि कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, दोनों को एक साथ हम लिख दिए तो कौन सा अक्षर बन गया हिंदी में, तो जी एच अलग हो गया, पी एच अलग हो गया, जो कि एगो हम बता दिए बच्चा के से के से हम क्या हुआ, के से के पहचान लिया इंग्लिश में और के से हिंदी में हो गया क। सर तो ये कहने का मतलब है कि ये सर पहला का चीज है या छठा का? देखिए सर उन लोग के लिए मैथ बता रहे थे, त्रिकोण में बता रहे थे उन लोग के, उन लोग का अलग कहने का मतलब है कि आप ये जो के से का पढ़ा रहे हैं ये पहला के लिए है। हाँ। और चौथा से पांचवा तक, तीसरा चौथा पांचवा जो है वो इसको देखेगा। और जब आप मैथ पढ़ाते, मैथ में क्या पढ़ाते हैं सर? मैथ में ये पढ़ा रहे थे कि त्रिभुज समांतर चतुर्भुज, पहले क्लास के लिए त्रिभुज से क्या मतलब, त्रिभुज तो उस स्थिति में इन लोग देखते रहता है, बताते हैं कि इसको कौन बोला जाता है, इसको भुजा बोला जाता है, इस तरह से हम समझाते हैं ताकि उसको भी समय पर काम दे अगला क्लास में। आपको नहीं लगता है सर कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये नौटंकी चल रही है इस तरह की, ये स्कूल ऐसे स्कूल ऐसे? तो यहाँ 5 टीचर होने चाहिए लेकिन 5 टीचर तो है नहीं, हम लोग 2 टीचर हैं, तो 2 ही टीचर में हम लोग समाज जनने निकालेंगे चाहे जैसे भी निकालें। अगर 2 टीचर हैं, 5 टीचर की जगह पर 2 टीचर हैं तो सरकार की कमी है कि 3 टीचर और देना चाहिए। बच्चे तो देख रहे हैं सर कि बहुत कम है आप लोग के पास, क्या मध्याह्न भोजन वगैरह नहीं चलाते क्या? सर पूछा जाए बच्चों से कि मध्याह्न भोजन चलता है बच्चे, तो सर नाम बताने आप तो इस तरह का एजुकेशन और जैसा मैं दिखा रहा हूँ कि आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं ये बच्चे तो नाम तक नहीं बता पा रहे हैं सर, कैसे आप इन लोगों का, आज कितना साल से स्कूल है सर, कितने साल से? तो 2002 से है, हम 2006 से हैं। 2006 से आज 15 साल आपको हो गया सर, 15 साल में आपने बहुत सारे बच्चे आपके पास आए होंगे सर जी, यही स्थिति रहा है 15 सालों? नहीं सर, आप दलदलिया गांव के इतिहास को उठा करके देखिए कि मनातो प्रखंड में कम से कम, ज़्यादा तो नहीं हम कह सकते हैं लेकिन तीसरा स्थान जरूर हम कहेंगे। आप इनरदेव अभी जो है मनातो में तीसवा स्थान भी है इसके? नहीं तीसरा बोल रहे हैं, अभी तीसवा भी है। अब देखिए सर कब की बात कर रहे हैं सर आप, 2006? अभी हम बोल रहे हैं जितना हम यहाँ मेहनत करते हैं। कौन सा मेहनत सर, मेहनत तो दिखाई दे रहा है सर आपका, आपके टीचर नहीं है यहाँ पे। देखिए सर अब सरकार का ऑफिशियली काम है तो उसमें तो जाना ही ना होगा, मिड डे मील का मसाला ऑफिशियली काम है सर, इसके लिए तो समय नहीं, कौन लाने जाएगा इसके लिए, दूसरा समय नहीं है सर। बच्चों को बैठा के आप क्लास के टाइम पे आप सब्जी और दाल और चना चीनी ये लाने जाएंगे सर बच्चों को बैठा के? पहले भी तो सारा काम स्कूल आवर में ही होगा? नहीं सारा काम नहीं होता है, पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है वो? अब 1 घंटा तो समय देना होगा, उसमें व्यवस्था कौन करने जाएगा? अब 3 बजे तक हम लोग यहीं रहेंगे, 3 बजे के बाद हम लोग के घर भी जाना है, 3 बजे नेट हम यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट आगे पीछे से भी बात नहीं। तो 3 बजे जाते हैं सर, इसका मतलब क्या निकला सर? आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को कोई, क्या इसका फ़ायदा क्या पहुँच रहा है सर? बच्चे नाम नहीं बता पा रहे हैं सर। सर देखिए सर आपका 15 साल से आप पढ़ा रहे हैं, इसका क्या फायदा हो रहा है सर? देखिए आपको अपने आप ने अपने गिरबार में आप झांक के देखें साहब, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, शिक्षा के नाम पर शिक्षक का जो गरिमा था सर उसको आप लोग ठेस पहुंचा रहे हैं सर, और इसमें आपका सरकार भी सहयोग कर रहा है सर कहीं ना कहीं। सर देखिए हर घर में बच्चे होते हैं, हमारा भी बच्चे हैं, तो हम टीचर हैं तो क्या हमारा सब बच्चा टीचर ही हो जाएगा?
उसमें से कोई चोर भी होगा, एकाध गो तो होगा सर। तो उसमें है ऐसे बात नहीं, यहाँ से जो पढ़ के किया उसमें भी है कारगर निकला, ऐसा बात नहीं कि बिना कारगर नहीं है स्कूल। मैंने जो आपका तकनीक है इसी से आप यहाँ के बच्चों को कारगर, ये तकनीक कौन सा खराब है सर, इसमें हमको बताया जाए कि जो हम बता रहे हैं कौन सा तकनीक इसमें खराब है। इसी तकनीक से आपके बच्चे का भविष्य बनेगा। सुनिए सर, अगर हमसे आप अच्छा जानते हैं तकनीक तो एक ठो बता दीजिए हमको कि सर इस तकनीक से बताइए, हम लोग के बी ओ आए, बी पी एम आए, ये सारी चीज़ें आपके जो आप लोग का मीटिंग वगैरह होता है उन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों का नहीं करते हैं आप हमें बोल रहे हैं करने के लिए? नहीं सर, ये तो मेरा काम नहीं है। नहीं आपका काम नहीं है, लेकिन शायद शिक्षा में किसी को नहीं कहा जा सकता है कि हम टीचर हैं तो हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे आप भी जान सकते हैं, हमसे बच्चा भी जान सकते हैं। जानकारी अलग चीज़ है सर, पेशा तो अलग चीज़ है, और शिक्षक को भगवान कहा जाता है सर, तो भगवान के साक्षी मान के सर आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए सर कि हाँ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं शिक्षा के साथ, भविष्य के साथ, बच्चों के। और ये खास करके ये बच्चे वो बच्चे हैं जिसको आदम जनजाति बोला जाता है। जी सर, सबसे इस झारखंड में सबसे पिछड़े जो क्षेत्र है, सबसे पिछड़े लोग जो हैं जिसे आदम जनजाति, इसके लिए सरकार बहुत से योजनाएं चला रही, वो बच्चे हैं सर ये लोग जी, इनके साथ खिलवाड़ तो हो रहा है सर? नहीं सर, देखिए हमारे दिल से नहीं हो रहा, अगर सरकार कर रही है सर, सरकार इसमें दोष क्या है, इसमें दोष किसका, सरकार का है सर? देखिए सर, अब यहाँ पांच टीचर होना चाहिए तो पांच टीचर तो है नहीं, दो टीचर, दोष किसका है सर, सरकार का? सबका दोष है, किसका है सर बताएं? हमारा दोष है तो सरकार का भी दोष है। अगर एमडीएम चलाना था तो उसके लिए अलग व्यवस्था से अध्यक्ष हैं ना, संयोजिका हैं, उन लोग को देना चाहिए था पदभार। कितना पेमेंट है सर आप लोग का? हम लोग को 16,000 मिलता है। 16,000 जी, टाइमली पेमेंट आ जाता है? नहीं सर, टाइमली नहीं आता है, लेकिन यह है कि 15-20 दिन आगे पीछे लॉकडाउन के समय से मिल रहा है। तो ये आपने देखा किस तरह का शिक्षा जो व्यवस्था है यहाँ पे है, और मैं आप तमाम लोगों से एक विनती करता हूँ कि ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मोदी जी तक, हेमंत सोरेन तक ये वीडियो पहुंच जाए, शिक्षा मंत्री तक ये वीडियो पहुंच जाए। और ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये आदम जनजाति के छोटे बच्चे हैं, पीछे कीजिए भैया माइक, आदम जनजाति के ये बच्चे हैं, और इनके भविष्य के साथ देख सकते हैं कि किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। और आप तमाम लोग से मेरा बहुत गुजारिश, विनती है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। से चाहूँगा कि आप जरा दिखा दें पीछे बच्चों को, हाँ बाबू, जो 5 क्लास में जो हो सब एक तरफ हो जाओ, 4 क्लास में जो हो एक तरफ हो जाओ। 5 क्लास का कौन कौन है बच्चा, खड़ा हो जाओ, खड़ा जाओ। 5 क्लास का जो है खड़े हो जाइए। फोर क्लास वाला इस पर आ जाओ, 5 क्लास वाला इधर, 4 क्लास इधर आ जाओ सब। हाँ तो सर, आप इतने जितने बच्चे मौजूद हैं सर, इसमें से आप मुझे एक तरफ 4, एक तरफ 5 और एक तरफ 6 आप करके सर हमको जरा बच्चे को आप खड़ा करवाएं सर, हम जरा देखें कि कौन कौन बच्चे कैसे बैठे हो। कैमरा मैन आप पीछे के आ जाइए, अरे इधर से आ जाइए। अभी दो बच्चे हैं पाँच क्लास में। अच्छा, और आगे बताते जाइए। ये 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे से 4 क्लास के हैं। ये शुरुआत के 3 बच्चे, 3 बच्चे हैं 4 क्लास के। अच्छा, और सर उसके बाद ऐसे 2 और 2 4 5 हो गए, ऐसे 3 क्लास के हैं, और वहाँ देखिए एक ठो है 5 क्लास के बच्चा। हर क्लास से करीब से एक क्लास में 10 बच्चे हैं 11 बच्चे हैं। तो आइए मास्टर साहब से फिर हम लोग बात करेंगे। तो सर क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं एक साथ मतलब एक रूम में पूरा स्कूल चलाना, कितना कठिनाई है सर? कि आसान है, अगर ये आसान है सर तो ये जो तकनीक है सर ये हमारे देश से भी जानी चाहिए दूसरे जगह पर, क्योंकि हमारा देश आप जैसा कि जान रहेंगे कि विश्व गुरु बनने के कागार पे है, और विश्व गुरु जो देश बनने वाला है उसकी ये शिक्षा की हाल है, जो कि हम लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये झारखंड राज्य है, पलामू जिला है, मनातू का ये दलदलिया गाँव है सर, दलदलिया जी,
और ये हेमंत सरकार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम की सरकार है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ तो मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी आज से एक दो दिन तीन दिन पहले यहाँ पे आए थे झारखंड में। और उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई होगी, उनमें से एक शिक्षा भी ज़रूर होगा। और अगर नहीं होगा तो ये वीडियो आप इतना से ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन जिम्मेवार लोगों तक पहुँच जाए, ताकि इस क्षेत्र का, इस शिक्षा का, इस स्कूल का कुछ निदान हो सके। तो सर कि क्या हाल है? तो सर यहाँ पे आप अकेले शिक्षक हैं? अभी तो एक घंटा के लिए अकेले हैं, इसके पहले एक और टीचर थे जो एमडीएम के सामान लावे गए हैं। तो वो एमडीएम के सामान लाने गए? जी, एक घंटे में चले आएंगे, 3 बजे तक चले आएंगे। कितना बज रहा है सर अभी? ऊपर घड़ी है, कितना दिखाई? अभी तो 2:08 हो रहा है। आपकी घड़ी में तो 10:20 हो रहा है। वह घड़ी खराब है, उसमें बैटरी जंग पकड़ लिया, जिसका चलते काम नहीं कर रहा है। यह मुस्कान आप देख सकते हैं कि शिक्षक की मुस्कान है और असलियत क्या है यहाँ पे। तो सर खराब नहीं लगता है? आप अकेले मास्टर हैं, चार पाँच क्लास चलाते हैं तो चला लेते हैं। तो एमडीएम चलाने के लिए तो व्यवस्था करना ही ना होगा, बिना लावे तो सामान आएगा नहीं, नज़दीकी तो है नहीं कि किसी किसी भेज के मंगा लिया जाएगा। और कोई दूसरा सर एमडीएम आज चले गए, लेकिन और कोई समस्या सर यहाँ पे बच्चों को लेके? सर बच्चों के लेकर के कोई समस्या ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ के गार्जियन लोग, अभिभावक जो बच्चे गार्जियन हैं, जागरूक नहीं हैं। और भी इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। फिर से आऊँगा मैं नए एक्सपोज के लिए, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।